नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम रेलवे JEE SSC JEE रेलवे NTPC के लिए कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि रेलवे और SSC और भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं की एक सीरीज है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 234 देखते हैं। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि इसका रीजन दिया है वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। इसका ऑप्शन बी सही है, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? तो दोस्तों, ये आंसर है सी। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में ये पूछा भी गया था। कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है दोस्तों? रोहा से मेंगलुरु के बीच में कोंकण रेलवे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 237 देखिए, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता, तो दालचीनी की जो छाल, तो दोस्तों दालचीनी को, दालचीनी जो है पेड़ की छाल से निकाली जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 238 देखते हैं। पृथ्वी के अस्थल भाग, अस्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये पांचवा भाग है। पृथ्वी का अस्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये पाँचवा भाग जो है रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों नेल्लोर। रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन, उठपटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वतमाला से होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है? आंसर है गुरुत्वाकर्षण। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी जो होती है, कोई भी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट करती है, इस तरह से हवा भी नीचे आती है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो काम होता है, फ्रिक्शन को कम करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। धक्का शह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका दोस्तों आंसर है सी, इलास्टिसिटी। जैसे ही उस पर जर्क आता है, वो क्या करता है, जर्क को, लोड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी आना चाहिए। अगर हार्डनेस रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 देखते हैं, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यूनिवॉक। 245 क्वेश्चन देखिए, किस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यावरण का तापमान बढ़ जाता है? तो कन्वेक्शन, संवहन इसका आंसर होगा। कन्वेक्शन की वजह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यावरण का ताप बढ़ जाता है। देखिए बेसिकली जो होता है, हीट ट्रांसफर का थ्री मोड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन गैसेज में होता है, और रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे जैसे ऊपर बाहर जाते हैं, ऊपर क्या होता है, एयर रहती है, जिसकी वजह से उसमें कन्वेक्शन के थ्रू टेम्परेचर बढ़ता जाता है। नावासोवा नामक नए बंदरगाह के साथ ही भारत के पश्चिम तट पर बंदरगाहों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों सी देखिए, आंसर 6 हो गई है, नावासोवा मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 247 देखिए, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत बार क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 248 देखिए, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दोस्तों इसका हर्बर्ट बेकर, ज़्यादातर लोग लुटियंस बना लगा देते हैं, लुटियंस नहीं होगा, इसने पूछा है सिर्फ उत्तरी और दक्षिणी खंडों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लियोपार्ड में सम्मिलित राज्य हैं? तो इसका दोस्तों आंसर है डी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान के मुख्य द्वीप को कुछ फीट हिला देने वाले और पृथ्वी के अक्ष को डगमगा देने वाले जोरदार भूकंप एवं सुनामी से आशा की जा रही के दिन छोटा कर देगा कितना? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 1.6 माइक्रो सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा
लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, थोरा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहले ये लोग बसे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पुर्तगाली, याद रखिए पी से पहले हो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको, IIMP आपके जबान पे होना चाहिए बिल्कुल ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम जो संत थे ये महाराष्ट्र से थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों भरतनाट्यम से इनका संबंध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है? बुध है, सॉरी पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है शुक्र है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात इक्वेटर पे बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये इंदिरा गांधी नहर है जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान से में अपनी पानी की सप्लाई देती है। क्वेश्चन नंबर 277 देखिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों 24 जनवरी 1950। ये 2017 PCS के क्वेश्चन, PCS में भी आया था प्री में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है दोस्तों राज्यपाल होता है। राज्यपाल के नाम से ही मुख्यमंत्री सारे काम करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 अक्टूबर 1992 को, 1952 को ये शुरू हुआ था। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, ये तो सबका पता होगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्रांच वाला भी बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। रेडियम की खोज किसने की थी दोस्तों? तो मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा रेडिएशन, विकिरण के द्वारा होता है। रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को बजा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। इसका अगला पार्ट हम लेके आ रहे हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।